जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे सब। सो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक जैकी रीडिंग। तो आगे नए स्टेटस वीडियो के साथ आज हम 4K स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले, फोटो स्क्रोलिंग ये स्टेटस वीडियो बनाएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम पिक्सल लैब ऐप, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ से आपको कैंसिल पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। थ्री लाइन में आपको यहाँ से इमेज साइज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से साइज को हम कर देंगे 1080 और यहाँ से कर देंगे 5000, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। अब इसके बाद आपको कोई भी वीडियो के 4 फोटो चाहिए अपने को, या आपकी भी हो सकती है किसी भी फोटो, या आपको जिसकी बनाना चाहो वो, तो वो फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करके ऐड करेंगे। तो यहाँ से प्लस वाले पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी में आपको वो वाली फ़ोटो सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। तो मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये फोटो है, तो इसको आपको जो फुल स्क्रीन नया हो तो उसको आप क्रॉप करके यहाँ पर ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर आपको राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, राइट पर क्लिक करेंगे और ये आपको सेंटर में ले आ गए। यहाँ पर ये वाले इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से रिलेटिव साइज पर क्लिक करना। साइज को इसकी आपको इसके जो स्क्रीन में एडजस्ट हो उस हिसाब से सेट कर लेना है। तो यहाँ से ये हो गया है, तो यहाँ से आपको 100 कर लेनी 100%, और उसके बाद में यहाँ पर रिलेटिव साइज पे इस दोनों पे क्लिक करके, सॉरी इसको ऊपर की तरफ रखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर राइट क्लिक करके स्ट्रोक पे क्लिक करना और वाइट स्ट्रोक को ऐड फोटो यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो मैं सभी फोटो को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आगे प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो मैंने सभी इमेजेस को यहाँ पर ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद आपको फिर यहाँ पर इसको आपको गैलरी में सेव करना होगा। तो यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से ये जो कस्टम का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एक अल्ट्रा का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से आपकी जो इमेज है वो MB में सेव होगी, HD में। तो यहाँ पर क्लिक करके सेव टू गैलरी कर देंगे। उसके बाद में आपको फिर अलाइट मोशन ऐप में आगे एडिटिंग करना होगा। तो मैं आपको मिलता हूँ एडिटिंग अलाइट मोशन ऐप में। तो मैंने अलाइट मोशन ऐप ओपन कर लिया है, उसके बाद बंद कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और साइज सेलेक्ट करनी है आपको, रेजोल्यूशन 1080 और 2340, और फ्रेम रेट आपको 30 FPS कर लेनी है और बैकग्राउंड को ब्लैक ही ऐड करना है। उसके बाद आपको फिर यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद में प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से इमेज वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद में जो आपने जो अभी इमेज ऐड किया था उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो पहले वो मैं कर लेता हूँ ऐड। तो ये इमेजेस ऐड होगी। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना है और इसको फिल स्क्रीन कर देना है। फिल स्क्रीन करने के बाद यहाँ से आप जितना चाहो उतना इसको यहाँ से 50 सेकंड के आसपास कुछ कर लेंगे। तो मैं इसको पहले तो ये 50 सेकंड के आसपास कुछ ऐड हो गया है। उसके बाद आपको फिर इस पर क्लिक करना है और यहाँ से मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है, इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके ले आना आपको। तो ये ऐड हो गया है यहाँ से। उसके बाद में फिर यहाँ से बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद आपको फिर यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और इमेज वीडियो पर क्लिक करना है। इमेज वीडियो में जो टेम्पलेट ऐड किया था उसके ऊपर वो पहले ऐड कर लेंगे। तो ये है टेम्पलेट वीडियो। इस टेम्पलेट पर आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और इसको पहले थ्री लाइन पर क्लिक करके
यहाँ से इसको फिल स्क्रीन कर देना। फिल स्क्रीन करने के बाद फिर इस टेम्पलेट में क्लिक करेंगे और 50 सेकंड के जो ज़्यादा पार्ट है उसको हम ट्रिम टू राइट कर लेंगे। तो यहाँ से इतना है तो इसको यहाँ पर क्लिक करके ट्रिम टू राइट कर देंगे। उसके बाद आपको फिर यहाँ से ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ओपासिटी पे, और यहाँ से आपको लाइट एंड पे क्लिक करना है। लाइट एंड में इसको स्क्रीन कर देना। आप चाहो तो यहाँ से इसको लाइट एंड भी रख सकते हो और स्क्रीन भी रख सकते हो। उसके बाद में फिर सेकंड वाला टेम्पलेट ऐड करेंगे। तो यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और सेकंड टेम्पलेट को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो ये वो सेकंड टेम्पलेट, इस पर क्लिक करेंगे प्लस वाला आइकन पे, और इसको भी यहाँ से पहले 50 सेकंड के आसपास, उसके बाद में ट्रिम कर लेंगे। तो यहाँ से ये 50 सेकंड, उसके बाद ट्रिम कर दिया। और फिर आपको इस टेम्पलेट पर क्लिक करना है दोबारा, और मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करना और इसको रोटेट कर लेना 90 डिग्री के आसपास। तो ये हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ से बैक चले जाना। बैक चले जाने के बाद थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे और इसको फिल स्क्रीन कर देंगे। फिल स्क्रीन करने के बाद में फिर टेम्पलेट पर क्लिक करना, ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी पे जाएंगे, लाइट एंड पे क्लिक करेंगे और इसको स्क्रीन कर देंगे। तो ये स्क्रीन हो गया है। उसके बाद में जो पहले वीडियो ऐड किया था तो उसको अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो सॉरी फोटो ऐड किया था आपने उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद में फिर आपको लास्ट में चले जाना है और यहाँ से भी प्लस का आइकन देंगे, इसको स्क्रॉल करके आपको इसको स्वाइप करना है ऊपर की तरफ। तो यहाँ से ये स्क्रॉल करेंगे, अब इसको अच्छे से स्क्रॉल करें ताकि आप वीडियो अच्छा बन सके। तो ये बन, अब इसको अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा वीडियो को। तो ये हमारा वीडियो बन के तैयार हो चुका है। अब इस पर ऑडियो ऐड करना है, तो आप जो चाहो वो ऑडियो ऐड कर सकते हो। और जो हम इस वीडियो का मटेरियल यूज़ करें उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हैश टैग के बीच में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको कॉर्नर में एरो के आइकन पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पर क्लिक करके गैलरी में सेव करना है। तो बस आज के लिए इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल।